Hey, this is Kamil and you're watching Cam Design. तो आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है VSDC पे. VSDC में मैं कैसे आप ऑडियो स्पेक्ट्रम इफेक्ट आप अपनी इमेज में लगा सकते हैं. ठीक है, आप स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि इस तरह के इफेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ. ठीक, तो जो ये वीडियो होने वाली है तो इसी में मैं बताऊँगा कि किस तरह से आप स्पेक्ट्रम को जनरेट कर सकते हैं. तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और पूरी देखें और लाइक ज़रूर करें और अपनी जो भी राय है कम बेसी है वो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं. और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें टू गेट ट्रिपल टी टिप्स ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दिस वीडियो. वेलकम टू VSDC. तो हमने VSDC को खोल लिया है. तो आज मैं बताने वाला हूँ स्पेक्ट्रम या वेव इफेक्ट इन ऑडियो. ठीक है, तो जिस तरह की मैं अपने वीडियोस के इंट्रो में अपना फेस लगा के और ऑडियो को शो करता हूँ स्पेक्ट्रम को या वेव को, तो आज मैं बताऊँगा कि आप भी अपनी चैनल की अपनी इमेज लगा के किस तरह से उसको शो कर सकते हैं. ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें. चलिए शुरू करते हैं हम अपनी ये वीडियो. ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा स्पेक्ट्रम लाने के लिए. सबसे पहले आप यहाँ पे आइए, ये ठीक है, इस ऑप्शन पे क्लिक करिए. अब नीचे उसके बाद ऑप्शन खुल के आएगा स्पेक्ट्रम ऑडियो अब्स्ट्रैक्शन. तुमको लेना है स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम को क्लिक करिए. अब आपके सामने फोल्डर खुल के आएगा. ठीक है, आपको एक इमेज उठानी है. एक्चुअल में ये क्या ऑडियो उठानी सॉरी एक्चुअल में ये क्या करता है कि जो आप ऑडियो सेलेक्ट करते हैं उस ऑडियो के अकॉर्डिंग ये वेव्स को जनरेट करता है उस पर्टिकुलर प्रोफाइल में. ठीक है, तो आप कोई भी ऑडियो उठा सकते हैं. तो अब मैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आपको बता रहा हूँ, तो मैं 50 सेकेंड की एक इंट्रो अपना उठा लूँगा. ठीक है, जब आप इसको उठाएंगे तो इसमें आपकी ऑडियो नहीं आती है. जैसे मैं इसको भी उठा लूँ, ओपन करूँ और फ्रॉम कर्सर पोजिशन एड न्यू लेयर ओके. ठीक है, तो ये जब मैं इसको ओके करूँगा तो इस तरह से आपके सामने नहीं आएगी. तो अभी आपको क्या करना है, आपको एरिया प्रोवाइड करना है कि कहाँ से कहाँ तक चाहिए आपको वो स्पेक्ट्रम. तो इसके सामने जब आप आएंगे तो ये प्लस का साइन बन के आ रहा है. तो आपको क्या करना है, आपको माउस का लेफ्ट वाला क्लिक होल्ड करना है और इसको ऐसे ड्रैग करना है. ठीक है, तो ये आ गया. ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये इस तरह से आ गया है. अब इसको मैं क्लिक बाहर करूँगा, इस तरह करूँगा. अब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये देखिए इसमें इस तरह के बन के आ रहा है. मगर हमको इस तरह थोड़ी चाहिए, हमको तो जिस तरह मेरा वो है राउंड शेप में उस तरह से चाहिए. तो उसके लिए हम आगे की सारी सेटिंग देखेंगे. तो पहले तो इसको राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ में आइए. ठीक है, और प्रॉपर्टीज़ से यहाँ से बैंडविड्थ जो है आप इसकी बैंडविड्थ कर लीजिए 70% ओके. ठीक है, और इसकी जो एरिया है आप इसको पूरे में कर लीजिए. तो पूरे में करने के लिए आपको ऊपर ऑप्शन ये है, सेट द सेम साइज एज द पेरेंट हैज़. तो इस पर क्लिक करते ही आपका वो पूरी विंडो में हो जाएगा. ये देखिए पूरी विंडो में हमारा स्प्रेड हो गया. अब अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये पूरी विंडो में बज रहा है. ठीक, अभी भी वो चीज़ नहीं आई जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं. अब इसको मैं अभी बता दूँ कि इसका आपको ब्लू कलर नहीं चाहिए, आपको कोई और कलर चाहिए. तो राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज़ में जाइए और यहाँ पर ग्रेडियंट सेटिंग है. ठीक है, इस ग्रेडियंट सेटिंग में क्लिक करिए. अब यहाँ से आप कोई भी कलर दे सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसका कलर चेंज करके मैं कर देता हूँ ग्रीन. ठीक,
और ओके करता हूँ। तो ये देखिए ग्रीन हो गया। अब प्ले करेंगे तो ये ग्रीन में आएगा, ग्रीन येलो रेड, पीक पे रेड, नॉर्मल ग्रीन, मिड टोन में येलो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया। अब उसके बाद हमारा क्या बच रहा है, उसके बाद अब हमारी चीज क्या हमें करना है, एक्चुअल में हमको लाना है इसको राउंड शेप में, पोलर शेप में सॉरी। तो पोलर शेप में लाने के लिए हम इसमें लगाएंगे इफेक्ट। इफेक्ट कौन सा लगेगा इसमें वो चलिए देखते हैं। तो पहले आपको जाना कहाँ है, एडिटर में, उसके बाद आइए आप इसमें वीडियो इफेक्ट में, और उसके बाद आप आइए ट्रांसफॉर्म में, ठीक। ट्रांसफॉर्म में आप नीचे आइए, ये आइए डिस्टॉर्ट, डिस्टॉर्ट पे क्लिक करिए, ठीक है। ऐड न्यू होल पैरेंट, होल पैरेंट पे क्लिक करने दीजिए, ऐड न्यू लेयर है, ओके, ठीक। तो अभी तो ये देखिए मैंने प्रीवियस काम किया था तो ये इस तरह से आ गया, ठीक है, राउंड शेप में। अगर आप नहीं किए होंगे तो आपका किस तरह आएगा मैं बताता हूँ। प्रॉपर्टीज में डिस्टॉर्ट जाइए और यहाँ से आपका होगा ये स्वर्ल, इस तरह से, इस तरह से होगा या इस तरह से होगा, ठीक है, दोनों में से कोई होगा। तो अगर आपका इस तरह से या किसी भी तरह से हो तो आपको कुछ नहीं करना है, आप डिस्टॉर्ट पे जाइए, राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज में जाइए और यहाँ से डिस्टॉर्ट इफेक्ट में आप देखिए डिस्टॉर्ट इफेक्ट सेटिंग है, टाइप है आपका दे रहा है, इसमें यहाँ ड्रॉप डाउन एरो है, ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर क्लिक करिए। अब अगर आपने अपडेटेड वर्जन ले रखा होगा इसका तो आपको नीचे एक मिलेगा ऑप्शन पोलर कोऑर्डिनेट्स, तो हमको यही पोलर कोऑर्डिनेट्स लेना है। पोलर कोऑर्डिनेट्स आप अलग अलग लगा के देख सकते हैं कि किस इफेक्ट पे क्या रिजल्ट आ रहा है, तो मुझे पोलर कोऑर्डिनेट लेना है, ठीक। तो ये पोलर कोऑर्डिनेट हो गया। अब जैसे अगर आप लेंगे तो आपका इस तरह नहीं आएगा, मेरी सारी चीज़ें प्री सेटिंग है इसलिए ऐसा आ रहा है, आपका इस तरह खुल के आएगा इस तरफ, ठीक है, ऐसे। तो हमको ऐसे नहीं चाहिए, हमको ऊपर की तरफ चाहिए। तो मैं यहाँ पे एंगल जो है, यहाँ पे देखिए एंगल, एंगल में मैं 270 प्रोवाइड करूँगा, 270। तो ये इस तरह घूम गया। अब इसकी आप रेडियस, आउटर रेडियस, इनर रेडियस घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसकी डिस्टॉर्ट की, ठीक है। तो चलिए मैं रेडियस आपको हटा बढ़ा के दिखाता हूँ प्रॉपर्टीज। अब मान लीजिए आउटर रेडियस मैं इसकी कर दूँ 80, ठीक, तो ये बढ़ गई आउटर रेडियस। इनर रेडियस इसकी मैं कर दूँ 50, ठीक है, बढ़ गई, तो इसका 30 रहने देता हूँ, ठीक। तो इन शॉर्ट मेरे बताने का मकसद यही है कि आप जो भी यहाँ पे चेंजेस करेंगे इसकी साइज घट या बढ़ जाएगी, ठीक। तो अभी तो ये मेरा हो गया, तो इसमें दिखते हैं अब हम प्ले करके, तो ये इस तरह से आएगा प्ले होके, ठीक। तो अब मैं करता हूँ इसमें अपनी इमेज लगाता हूँ। तो इमेज के लिए ऑब्वियस ही बात है कि आपको ऐसी इमेज लानी होगी जो राउंड हो, ठीक है, गोल हो। तो गोल इमेज आपको कैसे होगी आपकी गोल इमेज, इसके अकॉर्डिंग। तो मैंने तो भाई फोटोशॉप से क्रॉप कर रखा है अपनी गोल इमेज ये, ठीक है, फोटोशॉप से मैंने ये इसको क्रॉप किया है। तो इसी को मैं पेस्ट कर लूँगा, कोई इशू नहीं है। तो फोटोशॉप अगर आप सीखना चाहें तो आप मुझे, आप आई बटन पे देख सकते हैं, वहाँ पे फोटोशॉप की पूरी सीरीज पड़ी है, फोटोशॉप इतनी नाम से सीखी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने ये क्रॉप करके डेस्कटॉप पे डाल रखा है। तो इसको मैं ले आऊँगा VSDC में, डायरेक्ट ड्रॉप करूँगा, या तो आपको पता है उस तरह से भी आप कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको मैं उसके अपने स्पेक्ट्रम के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लूँगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने एडजस्ट कर लिया।
अब इसमें रही बात साउंड की, ठीक है, तो आप कोई भी साउंड अपने अकॉर्डिंग ला के डाल सकते हैं। हालांकि जब आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको साउंड की जरूरत होगी नहीं, क्योंकि साउंड साउंड तो आपकी उस रिकॉर्डिंग में होगी, तो आपको इसी की ज़रूरत होगी। तो इस तरह से आप पोलर कोऑर्डिनेट्स या स्पेक्ट्रम, ऑडियो स्पेक्ट्रम इफेक्ट जनरेट कर सकते हैं ईजिली। तो मैं प्रीवियस दिखा देता हूँ जो मैंने कर रखा है, ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ। और मैंने जो प्रोजेक्ट आपको स्टार्टिंग में जो डाल रखा है वही प्रोजेक्ट है ये। अब मैं इसको प्ले करता हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से इफेक्ट आप डाल सकते हैं अपनी वीडियो में। अब मैं यहाँ पे प्ले करके क्यों इफेक्ट नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, उसका रीज़न है कि अभी मैं यहाँ पे अगर प्ले करूँगा तो ये लैग करना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि मैं अभी आपको प्ले करके इसमें दिखा सकता हूँ, मगर उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बना के एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगा प्रॉपर सेटिंग के साथ कि कैसे आप उसको कर सकते हैं अगर आपको प्ले करना हो प्रीव्यू, ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक। तो आज की वीडियो में यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा कि अगर आपका VSDC वीडियो लैग कर रहा है प्रीव्यू के दौरान, तो उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं उस इशू को। रिसेंट में अभी एक लोगों ने हमसे ये पूछा था, हालांकि उसमें मैं डिटेल में बात करूंगा। तो अभी इस वीडियो को समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, धन्यवाद।